आज मैं आपके साथ फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही यूनिक बहुत ही टेस्टी पान गुलकंद कटोरी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाने में काफी ज्यादा इजी है और अगर आपको पान खाना नहीं पसंद है ना, तब फिर भी आपको ये मिठाई काफी ज्यादा पसंद आएगी। आपको भी क्या, आप जिसे भी खिलाओगे वो विश्वास ही नहीं करेगा कि इतनी बढ़िया दिखने वाली ये खाने में इतनी टेस्टी मिठाई को आपने घर पर ही खुद बनाया। तो फिर चलिए इस फेस्टिवल कुछ नया बनाते हैं और ये प्यारी से दिखने वाली मिठाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पान के पत्ते लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इसकी जो डंडी है ना, इसे काट कर हटा देना है। अब इन्हें चाकू से छोटे छोटे साइज में कट करना है, बिल्कुल इस तरह से। अब क्या करना है, एक ग्राइंडिंग जार लेना है और पान के पत्तों को इसमें डाल देना है। इसी के साथ इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप चाहे कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। और अब इसमें आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, 3 हरी इलायची डालेंगे। सौंफ और इलायची का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगता है इस मिठाई में। अब डालेंगे 1 चम्मच गुलकंद, साथ ही आधा कप दूध डालकर एकदम फाइन पीस लेना है इसे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का। अब क्या करना है, एक पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होते ही इसमें 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डालना है। अब एकदम बढ़िया से इसे रोस्ट करना है। इस तरह करने से मिठाई में जो टेस्ट आएगा एकदम गजब का आएगा। रोस्ट होने के बाद अब इसमें 1 कप दूध और इसी के साथ आधा कप चीनी डालेंगे। बढ़िया से थोड़ी देर तक मिक्स करेंगे और जब दूध सोख कर नारियल का बुरादा डो की तरह हो जाए तब इसमें पान वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। अब मिठाई पान की है तो कलर ग्रीन होना ही चाहिए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच ग्रीन फ्रूट कलर, बाकी आप स्किप करिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। बढ़िया से मिक्स करने के बाद कलर देखिए कितना बढ़िया आया है ना। इसी तरह मिक्स करते हुए जब ये इस तरह एकदम गाढ़ा हो जाए डो की तरह, तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब बनाते हैं मेवे की स्टफिंग। तो एक बॉल में डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। और अब डालेंगे 1 चम्मच गुलकंद, इसी के साथ 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये स्टफिंग मेवे की काफी टेस्टी लगती है, तो इस स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। यहाँ मैंने टोटल 13 बॉल तैयार किए। तो अब क्या करना है, ये जो पान का डो था ना, उसकी थोड़ी बॉल लेकर हाथों से गोल गोल करके पहले तो लड्डू की तरह बना लेंगे, फिर इसे डेसिकेटेड कोकोनट में डालकर इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, तो अब देना है इसे कटोरी का शेप। तो इस तरह अंगूठे से अंदर दबाते हुए हम कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए कटोरी का शेप कुछ इस तरह से देना है। और यहाँ मैंने सारी कटोरी बना ली है, कितनी प्यारी लग रही है ना। बट अभी जब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स की बोल रखेंगे तब तो ये एकदम गजब की लगेंगी। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स और गुलकंद की बोल को एक एक करके सारी कटोरी में रखेंगे इस तरह से। अब थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए सबके ऊपर रोज पेटल यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे। और बस हमारी ये पान गुलकंद कटोरी मिठाई बनकर तैयार है, कितनी प्यारी लग रही है। तो इस दिवाली ये मिठाई घर पर बनाना तो बनता है ना, और मार्केट में तो आपको इस डिज़ाइन की मिठाई कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका लुक देखिए, टेक्सचर देखिए, तोड़ के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए मुंह में पानी लाने वाली एकदम गजब की मिठाई बनी है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।